प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। इसमें हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट बताए थे, आज क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहला पार्ट बताए थे, आज हम तीसरा पार्ट आपके लिए लाए हैं। यहां आप देखें, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, ये लिखा हुआ है। आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल a का मान पूछ रहा है, तो क्या होगा? यहां पर ऑप्शनल दिया गया है, विकल्प दिया गया है, एक वैल्यू 0, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू, सी पार्ट है सॉरी ए पहला पार्ट है 0 डिग्री, दूसरा पार्ट है बी 30 डिग्री, और यहां से सी पार्ट है 45 और डी पार्ट है 60 डिग्री। आइए साफ करके देखा जाए, क्या है लिखा, क्या है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन। देखिए आप एक नया फार्मूला है, यहां से जो भी फार्मूला आपको प्राप्त हो रहा है उसको आप कोशिश करें लिख करके याद करें। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये कहां से आया आपको हम आगे बताएंगे, इसी को आप लिखिए, क्या 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। आप देखें कुछ यहां से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा 1, यानी कॉस a इज इक्वल टू 1 आया। आपको हमने टेबल बताया है, टेबल में आप अगर ध्यान से देखें, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो कॉस a में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता है साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहां से क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान 0 और कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, तो यहां से आपको मिला क्या कॉस इज इक्वल टू कॉस कितना 0 डिग्री। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको, हमने क्या कहा साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, फिर यहां से कॉस साइन में चलेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 0 यानी कॉस 0 और साइन 90 का मान सेम होता है और कितना होता है 1 होता है। याद रखिए कॉस को कॉस से हटा दीजिए, 1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहां से आपका कौन सा पार्ट सही है आप देखें तो शायद ही लगता है कौन सा पार्ट, पहला पार्ट हमने टिक कर दिया, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये पहला पार्ट सही हो गया। आगे चलते हैं आपको लेकर के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसे देखिए इसका आपके लिए दूसरे का ही चौथा पार्ट है 2 tan 30 degree डिवाइड 1 minus tan square 30 degree इज इक्वल टू क्या, ये दिया गया है cos 60, इसका बी पार्ट है sin 60, इसका सी पार्ट है tan 30 tan 60, यहां से डी पार्ट है साइन 30। याद रखिए कह रहे हैं आपसे 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 कि वैल्यू क्या होगी, ये पहला पार्ट होगा या दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा। आइए हर कर ले इसको भी हम देखें दो प्रकार से, एक नया सूत्र भी आपको मिलेगा, हम आपको भी बता रहे हैं, पहला जनरल मेथड इसका यूज कीजिए,
टू टेन क्या थर्टी अपन वन माइनस टेन स्क्वायर क्या थर्टी यहां से यहां से टू टेन थर्टी अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी आगे देखें आप टू इंटू वन अपन कितना करेंगे टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है वन अपान कॉरडी थ्री यहां से वन माइनस वन अपान करणी पूरे का क्या होल स्क्वायर यहां से देखिए टू का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो टू अपान रूट थ्री पूरे का डिवाइड करेंगे वन माइनस वन अपान थ्री क्यों वन का वर्ग वन होता है और करणी से घट जाएगी आगे हम चलते हैं एलसीएम ले लीजिए आप दो बटा करणी में तीन और यहां से तीन एकम तीन तो थ्री माइनस वन डिवाइड बाई थ्री आगे देखिए टू बाई करणी में थ्री यहां से तीन में से एक को घटाएंगे दो बचेगा टू अपान थ्री अब जरा देखिए आपको पढ़ाया गया है प्रथम का घटा लास्ट में जहां से आपको क्या मिला टू इंटू थ्री मध्य का घटा मध्य तो रूट थ्री इंटू टू से टू कट गया तीन को आप क्या लिख सकते हैं कई बार बताया हमने इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से रूट थ्री कट गया कितना आया रूट थ्री और ये कितने की वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए कि यहां से कितने डिग्री का मान ये आपको मिलता है तो यहां से आप कह सकते हैं देखिए क्या 60 डिग्री की वैल्यू रोटरी होती है तो का 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट डिवाइड टू होती है टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है कि टेन 60 37 की वैल्यू 1 बाई टू होती है तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये भी नहीं है लेकिन टेन अब बचा क्या टेन 60 तो आपको पता होना चाहिए टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री होती है और याद रखना चाहिए यहां से कितने का मान ये आपको मिल गया टेन 60 क्यों टेन 30 का मान कितना होता है 1 अपान करणी में 3 टेन 0 का मान 0 टेन 30 का मान 1 अपान करणी में 3 टेन 45 का मान एक होता है टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है यहां से रूट थ्री आपको मिल गया तो कितना लिख सकते हैं इसके स्थान पर टेन 60 डिग्री तो कौन सा पार्ट आपके लिए सही हुआ देखिए सी पार्ट सही हो गया और इसका दूसरा रास्ता आप और आसान करना चाहें अगर फार्मूला याद है तो देखिए जरा आप थोड़ा करके हमने लिख दिया है कि किसी चीज का सूत्र है किसका सूत्र है टेन टू थीटा याद देखिए टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा देखिए आप टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया ये आपका एक नया फार्मूला है इसी में अगर आप थीटा की वैल्यू यहां टू और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है यहां से अगर थीटा की वैल्यू आप 40 डिग्री रख दें तो देखिए आपको मिलेगा टेन टू इंटू 30 इज इक्वल टू टू टेन कितना 30 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 देखिए हमें किया क्या कुछ नहीं किया ये फार्मूला हमें याद हमने इसको देखा तो हमें लग गया कि किसी चीज का सूत्र है तो टू टेन थीटा मिलाइए टू टेन थीटा अपान वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां क्या निकला किसका सूत्र है ये टेन टू थीटा और थीटा के स्थान पर कितना हमने लिखा 30 लिखा तो 30 का टू में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू टू टेन 30 डिवाइड बाई वन माइनस कितना टेन स्क्वायर 30 तो यहां से आप देखिए यहां से बहुत छोटे हो
एक तो लंबी जा रही है, आपने देखा कितने में आपने लगाया, और एक फार्मूला याद होने के कारण आपने बहुत छोटे में कर दिया। तो आप ऊपर है कि बताया दोनों तरीका जा रहा है, जो आपको सूटेबल लगे उसका आप पालन कर लीजिए और इस तरह से आप लगाइए। अगला प्रश्न इसका देखा जाए, देखिए यहां से ये क्वेश्चन और है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या लिखा है, यदि टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री और टैन बी इज इक्वल टू टैन ए माइनस बी, देखिए यहां से टैन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन कॉर्डिनेट थ्री, लेकिन कुछ कंडीशन दिया है ए इज ग्रेटर देन जीरो डिग्री, ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। कंडीशन है आगे क्या कंडीशन है, शर्त इतना है ए इज ग्रेटर देन बी तो ए और बी का मान, ये क्वेश्चन आपको चार अंक में मिल सकता है, छह अंक में मिल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखें ना टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू करें थ्री अंडर रूट थ्री, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बार रूट थ्री, ए और बी यानी दोनों का योग, दोनों एंगल का योग कैसा है, जीरो से बड़ा है और 90 के बराबर है, यानी कि आई इक्वल टू लगा है 90 से कम अथवा 90 के बराबर, अगर केवल ये लगा होता लेस देन तो 90 से कम होता, लेकिन यहां आई इक्वल टू भी लगा दिया है। आप जरा बातों पर ध्यान दीजिए, तो 90 के बराबर या 90 से कम, लेकिन यहां भी कुछ कंडीशन कहा है ए इज ग्रेटर देन बी, ए का मान बी से सदैव बड़ा है तो ए और बी का मान। आइए इसके सोल्यूशन में चलते हैं, आप देखें यहां से टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू करें थ्री, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी साल भी किया हूं, टेबल देखे होंगे आप, उस टेबल से देख करके नहीं आप सोच करके बताएंगे कि टैन के पदों में कितने डिग्री का मान कारणी में तीन होता। तो यहां से जरा देखिए टैन ए प्लस बी याद नहीं है तो टेबल को अगर आप देखें तो कितने डिग्री का मान, टैन 60 डिग्री का मान। देखिए यहां से ए प्लस बी की वैल्यू अगर यहां से हम टैन को हटा दें, यहां देखिए काटते नहीं है अपने आप कट जाता है, यहां देखिए तो क्या आपको मिला, देखिए क्या इस कंडीशन का पालन हो रहा है, ए प्लस बी का मान जीरो से ज्यादा है या नहीं, देखिए ए प्लस बी का मान कितना 60 डिग्री है तो जीरो से ज्यादा है और 90 से कम या 90 के बराबर, तो 90 से कम 90 से ज्यादा भी नहीं, तो यहां से ए प्लस बी जीरो इक्वेशन वन यहां हमने बना लिया। जरा इसे दूसरे पार्ट पर आते हैं, यहां देखिए tan इसी प्रकार tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन करणी में थ्री, फिर उसी टेबल पर हम आ रहे हैं, आप जरा बताइए tan के पदों में क्यों tan बार बार लिया जा रहा है, tan इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इधर देखिए tan आया है, tan ले लेंगे तो दोनों साइड अगर इक्वल नहीं होगा तो हटेगा नहीं tan, इसलिए tan के पदों में कितने डिग्री का मान वन अपॉन रूट थ्री होता है, तो
टेबल में आप देखें तो tan 30 अंश की वैल्यू 1 बटा करें 3। तो यहां से आप करो क्या, tan a plus b is equal to tan कितना डिग्री, 30 डिग्री हमने रख दिया सही, यानी a माइनस b था। tan 30 का मान 1/√3, कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, tan से tan को हटा दीजिए, क्या मिला a माइनस b is equal to 30 डिग्री। फिर एक बार चेक कर लीजिए, देखिए इस कंडीशन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, a प्लस b का मान 0 से ज्यादा है या नहीं है, और 90 के बराबर है, 90 से कम, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे युगपत समीकरण, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, याद रखिए ये a प्लस b है, a माइनस b है। तो हम एक वहां पर कई मेथड आपको पढ़ाया गया, जैसे पहला मेथड पढ़ाया गया सारणीय, दूसरा पढ़ाया गया विलोपन विधि, तीसरा पढ़ाया गया प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसी पर विलोपन पर चल रहे हैं, विलोपन में दोनों में से a और b में से किसी एक को गायब कर दें। तो देखिए यहां से ये प्लस है, ये माइनस है, और दोनों गुणा के बराबर है, तो हम यहां से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण एक घन समीकरण क्या दो, क्या मतलब समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं, देखिए a प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। नीचे क्या है, a माइनस b इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहां देखिए ये आपका प्लस प्लस है, जुड़ जाएगा 2a मिल गया, और ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या मिला, कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस है, तो आप जोड़ लीजिए कितना आएगा, 60 में आप 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। यहां से 2 से 90 को काट दीजिए, आप देखिए a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना आया, 45 आएगा। यहां से a की वैल्यू 45 आपको मिल गई। आप a इज इक्वल टू 45 कहां, b का मान निकालना है, तो समीकरण एक में रखने पर रख दीजिए, समीकरण एक देखिए कहां है, यहां है, तो कितना है a का स्थान पर, देखिए नकल में ना करवा, a की वैल्यू कितना 45, तो प्लस क्या लिखा है, b लिखा है 60 डिग्री, b को रोक करके ट्रांसफर कीजिए, 60 माइनस 45 कितना बचेगा, 15 डिग्री। आप जरा देखिए यहां से पास पास लाके लिख दीजिए, इस प्रकार सॉल्यूशन आपको क्या मिला, a का मान 45 और b का मान कितना, 15 डिग्री। आप जरा देखिए क्या a b से बड़ा क्या है, a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो दोनों a b से बड़ा हुआ है, इसका भी पालन हुआ, और दोनों को अगर आप जोड़े तो 15 45 और 15 कितना होगा, 60 होगा, यहां देखिए और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। तो हर लाइन पर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है, एक बार पुनः सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, tan a plus b is equal to करड़े में 3 और tan a minus b is equal to 1/√3 करड़े में 3। तो a plus b और यहां कंडीशन क्या दिया है, दोनों का योग, दोनों एंगल का योग 0 से बड़ा हो और 90 से कम या बराबर हो, तो a और b का मान बताइए। हमने क्या किया, tan a plus b is equal to √3, ऐसे इसको उतार लिया, देखने लगा tan के पदों में टेबल में कितने डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हमने tan से tan को हटाया, a plus b is equal to 60 डिग्री दिया, ऐसे यहां इसको हमने उतार लिया। आप देखिए तो tan के पदों में tan 30 की वैल्यू होती है, हमने समीकरण 2 लिख दिया, दोनों
दो से हमने डिवाइड कर दिया, 45 डिग्री आ गया, ए का मान समीकरण एक में हमने रख दिया, हल कर लिया, बी का मान आ गया, ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई 45 और 15, जो कि इस कंडीशन का पारण कर रही है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।